तो हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और देखिए, नहा धोकर सुबह से हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल मैं रेडी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाली हूँ एक कलश यात्रा में। मैंने उठाया है वहाँ पर कलश और भगवत गीता का पाठ है, तो भगवत गीता बैठी हुई है, भागवत जिसको बोलते हैं हम, तो भागवत बैठी हुई है, तो उसमें मैंने कलश उठाया है, तो वहाँ पर जा रही हूँ और नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। आज नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नाश्ता आज होगा जब कलश लेकर हम लोग मंदिर से भवन की तरफ आ जाएंगे, प्रांगण की तरफ, तब फिर नाश्ता होगा। उससे पहले आज कुछ नहीं होगा, केवल चाय पीऊँगी। मैंने चाय बना ली है, नाश्ता बना दिया है और अब बस रेडी हो चुकी हूँ। 9 बजे की टाइमिंग है, तो बस निकलने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में। वैसे मैं नहा धोकर सब रेडी हूँ, बस थोड़ा सा मेरा एक 10 मिनट का 15 मिनट का काम और रह गया है, उसको और कर लूँ कंप्लीट, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे मंदिर में। तो फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं मंदिर और ये मैंने ले ली है चाय, चाय पी लूँ और चाय पी के तुरंत चलते हैं फटाफट से मंदिर में, मिलते हैं आपसे करौली मंदिर में। तो ये मैं अब आ चुकी हूँ करौली मंदिर, जो कि हमारे शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। और यहाँ पर मेगा मुझे छोड़ गई है स्कूटी से, तो मैं काफ़ी जल्दी आ गई हूँ। और अभी जो कलश है वो मिल रहे हैं सबको, तो मैं भी अपना कलश ले लेती हूँ। अभी जो जितनी महिलाएं हैं वो सब इकट्ठी हो रही हैं कलश के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम सब लोगों ने स्लिप दिखाकर ले लिए हैं अपने अपने कलश। और ये जो खड़ी हैं ये सब मेरी फ्रेंड्स खड़ी हैं, सभी जितनी भी कलश की महिलाएं हैं वो सब आ चुकी हैं और कलश सब ने अपने अपने ले लिए हैं। मुश्किल से अब हमको जो समय निकलेगा यात्रा का वो 10-15 मिनट का लगेगा। ये देखिए, कथावाचक जी भी आ चुके हैं और ये खड़ी हैं हमारे शहर की मेयर कामनी राठौर जी साथ में, और ये खड़े हैं वेद व्यास जी जो कथावाचक हैं, यही कथा कहेंगे। और ये खड़ी हैं हमारे शहर की मेयर हैं कामनी राठौर। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये देखिए, अभी फ़िलहाल में तो पिक वगैरह सब लोग अपनी अपनी खींच रहे हैं पिक, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और काफ़ी टाइम हो चुका है आए हुए और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर इस समय। ये देखिए, अब मैंने भी मेयर जी के साथ फ़ोटो ली है, मेयर साहिबा खड़ी हैं, ये कामनी राठौर, ये हमारे शहर की मेयर हैं, आप इनसे भी मिलिए। और काफ़ी अच्छा नेचर स्वभाव है इनका, तो हम लोगों ने निकल लिए। तो अब फाइनली यात्रा यहाँ से शुरू होती है हमारी। ये देखिए, ये डांस करते हुए जा रही हैं, कलश में था पानी तो एक साइड से कलश झुक रहा है, और वीडियो भी बनानी है साथ में, तो कलश की कुछ डायरेक्शन जो है वो मेरी वो बिगड़ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्या कहते लग रहा है समय, और सभी लोग बड़ा खुश हैं। काफ़ी दूर तक यात्रा चली थी भगवत गीता, मैंने तो वैसे बहुत सारे पहले भी कलश उठाए हैं, याद नहीं है कितने हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं कथा पंडाल में, कलश हम लोगों ने अपने अपने रख दिए हैं। अब यहाँ पर होगी थोड़ी देर की कथा, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके फिर हम अपने घर जाएंगे। और वैसे टाइम काफ़ी हो चुका है इस समय। देखिए फ्रेंड्स, कलश उठाने का सौभाग्य बड़े नसीब से मिलता है। कहते हैं कलश में 33 करोड़ देवी देवता समाये हुए होते हैं, इसलिए मैं तो बहुत कलश उठा। उन्हीं का राम कथा भागवत जो भी है, हाँ आज भागवत हो रही है। और हमारे तो फाइनली फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अब घर पे, और कलश यात्रा बहुत अच्छी रही, प्रसाद खाया हम लोगों ने सबने, और अब हम लोग आ गए घर पे। मेरी फ्रेंड्स अपने अपने घर चली गई और मैं अपने घर पे आ गई हूँ। तो इसी के साथ मेरे ब्लॉग का होता है यहीं पर दी एंड। तो इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।